सब्सक्राइब करिए क्रिकेट विद स्नेहल को और बेल आइकॉन दबाएं क्रिकेट टिप्स सबसे पहले पाने के लिए। हाय एवरीवन, मैं हूं स्नेहल प्रधान और आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल, जहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस। और आज हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ स्पाइक्स के बारे में। अब तीन टाइप्स ऑफ स्पाइक्स है, मेनली चार बोल सकते हो, पर वो कौन से चार है, वो कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हो तो बताओ कि बहुत सारे ऐसे यूजफुल क्रिकेट इन्फॉर्मेशन, ट्यूटोरियल्स, व्लॉग्स, छोटे मोटे एडवेंचर्स मैं पोस्ट करती रहती हूँ यहाँ पे चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। अब आज जो भी शूज़ हम देखेंगे वो अगर आप ऑनलाइन चेकआउट करना चाहते हो, उनका क्या प्राइस है, क्या कॉस्ट है देखना चाहते हो, तो मैं अमेज़न के लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में रखूंगी, मेरे वेबसाइट पे एक पोस्ट डाल दूंगी जिसपे आप वो सारे लिंक्स देख सकते हो, आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो देखते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ शू कौन सा है। अब वो है वो शू जो बहुत बेसिक माना जाता है, जो शायद हर क्रिकेटर का फर्स्ट परचेस माना जाता है, और वो है स्टड्स। अब स्टड्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनमें कोई भी स्पाइक्स नहीं होते हैं, कोई भी मेटल स्पाइक्स नहीं होते हैं, पर छोटे छोटे ऐसे प्लास्टिक के स्टड्स होते हैं जिसकी वजह से एक बेसिक ग्रिप मिलता है हमें। जनरली वो बेसिक शूज होते हैं, ऐसे क्रिकेटर्स यूज करते हैं जो जनरली मैटिंग पे खेलते हैं या रफ सर्फिसेस पे खेलते हैं या अभी अभी शुरू कर रहे हैं अपना क्रिकेट और उन्हें पता नहीं कि वो सीरियसली क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं, क्या बनेंगे, बैटर बनेंगे, बॉलर बनेंगे, उन लोगों के लिए स्टड्स परफेक्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ शू है, पर अगर आप क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हो तो आप ज़रूर सेकेंड टाइप यूज़ करते होंगे। सेकेंड टाइप ऑफ शूज है स्पाइक्स। ऑफकोर्स स्पाइक्स का मतलब ये है कि इनके छोटे बेस पे मेटल के ये स्पाइक्स हैं। इन मोस्ट शूज पे 11 नंबर के स्पाइक्स होते हैं, 11 स्पाइक्स होते हैं। जनरली बैटर्स और स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स भी, पर थोड़ा सा अलग बात करेंगे उसके बारे में, ये स्पाइक्स यूज करते हैं। फास्ट बॉलर्स के बारे में मैं कुछ आपको अलग इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो के एंड पे, पर ये सबसे कॉमन क्रिकेट शू है। जनरली यही लेआउट होता है, ये स्पाइक्स हम स्क्रू करके निकाल सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं। और कोई भी बेसिक लेवल से ज़्यादा वाले क्रिकेटर को जनरली ऐसा एक पेयर स्पाइक्स तो चाहिए ही चाहिए। अब तीसरा टाइप ऑफ शू है हाफ स्पाइक्स। अब हाफ स्पाइक्स होते क्या है? हाफ स्पाइक्स बेसिकली तब होता है जब हम अपने स्पाइक्स के आधे स्पाइक्स निकाल के उनके नीचे स्टड्स लगा देते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ स्पाइक्स का एग्जांपल है, ये एक एसडी के स्पाइक्स है जिनके मैंने नीचे के स्पाइक्स निकाल के उन्हें स्टड्स के साथ रिप्लेस किया है। और एक आखिरी वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये एक हाफ स्पाइक होता है, ये स्टड्स नॉर्मली कोई भी स्पाइक्स के साथ आ जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि ये स्पैनर यूज करके आप स्टड्स स्पाइक्स निकाल के उन्हें स्टड्स बना सकते हो, और चाहो तो पूरा स्टड्स भी यूज कर सकते हो, पर ज्यादातर ये कॉमन अरेंजमेंट दिखाई देता है हमें क्रिकेट में। बहुत सारे बैटर्स और स्पिनर्स हाफ स्पाइक्स यूज करना पसंद करते हैं क्योंकि स्पेशली स्पिनर्स के लिए अपने फ्रंट के हाफ पे वो ज़्यादा निर्भर रहते हैं, टो पे पिवटिंग होता है बहुत ज़्यादा उनका, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है उन्हें। पर इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मैं हमेशा प्रेफर करती थी इवन बैटिंग करते समय फुल स्पाइक्स पहनने के लिए। कारण है ये क्योंकि हाफ स्पाइक्स जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा घास है वहाँ पे हाफ स्पाइक्स स्लिप हो सकते हैं। अगर आप हाफ स्पाइक्स यूज़ करते हो तो मुझे कॉमेंट्स में बताओ और क्यों प्रेफर करते हो ये भी बता दो। अब ये थे तीन बेसिक क्रिकेट के शूज़, पर मैंने एक चौथे के बारे में बात किया और वो मैं आपको दिखाऊंगी, और ये है हाई एंकल बॉलिंग शूज। काफ़ी फास्ट बॉलर्स प्रेफर करते हैं कि एक हाई एंकल शू जैसे कि ये यूज़ करना, जहाँ पे इनका एंकल का भाग थोड़ा सा ऊंचा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इसके वजह से, जिसके वजह से काफ़ी बॉलर्स को अच्छा लगता है, सिक्योरिटी लगता है। अब इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मैं दोनों यूज़ कर चुकी हूँ, हाई एंकल शूज़ भी यूज़ कर चुकी हूँ, ये भी मेरे एक पैर हैं, और एक दिखाओ आपको, तो ये भी मेरा एक पुराने पैर है। तो ये हाई एंकल शूज़ नहीं है, जो एसिक्स के जेल शूज़ है ये हाई एंकल नहीं है, फिर भी मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी इन शूज़ के साथ।
बास्केटबॉल प्लेयर्स हमेशा हाई एंकल शूज यूज करते हैं। इसका कारण ये है कि बास्केटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे बहुत एजिलिटी चाहिए आपको, जहाँ पे आपको साइड टू साइड मूवमेंट्स बहुत ज्यादा है और वहाँ पे एंकल पे बहुत स्ट्रेन आता है, तब हाई एंकल शूज एक नेसेसरी चीज बन जाती है आपको एंकल को सपोर्ट देने के लिए। क्रिकेट में ऐसा नहीं है, ज्यादातर आपके मूवमेंट्स एक डायरेक्शन में होते हैं, इवन बॉलिंग करते समय जनरली ट्रांसफर ऑफ वेट एक डायरेक्शन में होता है एंकल पे भी। तो मैं नहीं मानती कि एंकल शूज, हाई एंकल शूज बहुत जरूरी है फास्ट बॉलर्स के लिए। कुछ फास्ट बॉलर्स को पसंद है पर उसके बिना भी चल सकते हैं। मैंने काफी यूज किए हैं नॉर्मल शूज और मैं काफी खुश थी। तो ये थे बेसिक बॉलिंग शूज क्रिकेट में। आप कौन से शूज यूज करते हो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आई होप आप कुछ सीखे, आपके लिए कुछ हेल्पफुल था। अगर ऐसे हुआ तो एक लाइक बटन दबा दो और अगले वीडियो का इंतजार करो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबा के, ताकि आपको पता चले जब भी मैं YouTube पे अपलोड कर रही हूँ। अगले एपिसोड में मिलते हैं। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय योर क्रिकेट।